जयपुर में संस्कृति युवा संस्थान और जयपुर नागरिक अभिनंदन समारोह समिति की ओर से राजस्थान के निवर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र का नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। जयपुर के एक निजी होटल में संस्कृति युवा संस्था और जयपुर नागरिक अभिनंदन समारोह समिति की ओर से निवर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र का 101 सामाजिक नागरिक और व्यापारिक संस्थाओं द्वारा नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सभी संस्थाओं ने मिश्र को माला, साफा और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। मंच पर बोलते हुए मिश्र कई बार भावुक होते हुए भी नजर आए। उन्होंने प्रदेश में उनके कार्यकाल को लेकर बताया। इस दौरान मिश्र ने अपने कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी साझा किए। राज्यपाल एक शुद्ध रूप से संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल किसी दल का, किसी संस्था का पदाधिकारी नहीं होता, और इसलिए मैंने दल से संबंधित रहा हूँ। मैंने उसे त्यागपत्र दिया और शुद्ध रूप से संवैधानिक प्रमुख के नाते जो भी राज्यपाल का दायित्व होता है इसका निर्वहन करने का मैंने प्रयास किया। राज्यपाल एक तरह से शासन का सलाहकार भी होता है, संरक्षक भी होता है, और उसका देखने का दायित्व होता है कि कहीं संवैधानिक मर्यादा की विपरीत तो नहीं काम हो रहा है। राज्य और केंद्र में नहीं आपस की संवैधानिक दृष्टि से गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कानून कहीं जन कल्याणकारी रूप धारण न कर दूसरे प्रकार तो नहीं बन रहा है। ये सारी चीज़ों पर राज्यपाल की दृष्टि रहती है और उस दृष्टि से आवश्यकता पड़ने पर शासन को राज्यपाल सलाह देता है, उसको प्रेरित करता है कि सही दिशा ये है, इस दिशा में काम करने का प्रयास करें। ये मैंने करने का पूरा 5 वर्ष तक प्रयास किया और मैं कह सकता हूँ उससे मुझे सफलता भी मिली है। जहाँ तक बाकी का कार्य का सवाल, राज्यपाल की जिम्मे ट्राइबल एरिया के विकास की भी बात रहती है, तो उस दिशा में भी मैंने अनुभव किया कि जो भी चाहे केंद्र का बजट हो चाहे प्रदेश का बजट हो, जिस ढंग से ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है, तो उसको मैंने लगातार मॉनिटरिंग करते हुए उसे ठीक करवाया। बजट पूरा का पूरा ढंग से लग जाए, क्षेत्र का ढंग से विकास हो, ये भी हमने प्रयास किया। राज्यपाल रेड क्रॉस का संरक्षक भी होता है। यहाँ जब मैं आया तो किसी जिले में रेड क्रॉस नहीं थी, इकाई नहीं थी, लेकिन जान कर प्रसन्न होंगे आप कि जब मैं जा रहा हूँ तो प्रदेश के 500 जिलों में रेड क्रॉस की कमेटी बन गई है, और इसके माध्यम से हमने नशा मुक्ति अभियान भी चलाया है, इसके माध्यम से देहदान का जागरूकता अभियान चलाया है, इसके माध्यम से हमने निश्चय मित्र भी तैयार किया, जो टीबी मुक्त अभियान भारत सरकार की तरफ चलाया जाएगी तो निश्चय मित्र की योजना भी चलाई है, तो यह अभियान चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ हमने संविधान के बारे में समुचित जानकारी हो सके इसके लिए हमने सार्वजनिक सभाओं में भी संविधान के उद्देश्य का और मूल कर्तव्य लोगों के बीच में पढ़ा, धुलवाया और मूल कर्तव्य के बारे में जानकारी प्रदान की। लोगों ने इसको बड़ा स्वीकार किया। विश्वविद्यालयों में संविधान स्तंभ भी बनवाया, राजभवन में संविधान उद्यान बना है, विश्वविद्यालयों की शिक्षा को हमने नियमित किया है, सत्र नियमित किया है, सभी विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह प्रतिवर्ष हो जाए, ये मैंने प्रयास किया और पूरा किया। मैं जा रहा हूँ तो इस समय मैंने 27वां विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह पूरा कर चुका हूँ, तो ये सारा मैंने किया है, इसे जाते समय मुझे इस बात का संतोष है। संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि कलराज मिश्र ने अपने कार्यकाल में प्रदेश की जनता को भरपूर स्नेह और सम्मान दिया, साथ ही कोविड के समय अभूतपूर्व काम किया। मिश्र ने संविधान पार्क की स्थापना राजभवन में और प्रत्येक विश्वविद्यालयों में कर अभूतपूर्व कार्य किया, साथ ही सबसे अधिक दीक्षांत समारोह इनके कार्यकाल में हुए। मिश्र हमेशा सक्रिय रहे और प्रदेश भर में दौरे कर आम जन के साथ जुड़े रहे। सब लोगों ने विदाई करी है एक ऐसे फेयरवेल के रूप में जिसमें जयपुर की सभी सामाजिक संस्थाएं, नागरिक संगठन, धार्मिक संस्थाएं, व्यापारिक संगठन सब इकट्ठा हुए। हमारा लक्ष्य था कि 101 संस्थाएं नागरिक अभिनंदन करेंगी, पर 168 से अधिक संस्थाओं ने आकर के कलराज मिश्र जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और ये मैसेज दिया
कि राजस्थान की जनता अपने माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी से स्नेह करती है, प्यार करती है, उनका सम्मान करती है। इसी भावना के साथ इतनी सारी संस्थाओं ने आकर के आज नागरिक अभिनंदन किया। सामान्यतः ऐसा होता है कि जब भी कोई नए राज्यपाल बनते हैं तो उनका नागरिक अभिनंदन होता है, लेकिन यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति विदाई ले रहा है और उसके लिए इतनी सारी संस्थाएं आकर के उनका नागरिक अभिनंदन कर रही है, तो हम सबके लिए गौरव की बात है। और कलराज मिश्र जी का प्यार इसने हमें इसी प्रकार से मिलता रहे, भविष्य में हम ये मनोकामना करते हैं। नई वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र का 101 सामाजिक नागरिक और व्यापारिक संस्थाओं द्वारा नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। संगठनों के पदाधिकारी ने मिश्र का अभिनंदन कर उनके बारे में जमकर बधाइयां के पुल बांधे। ऐसा प्रदेश में पहली बार किसी राज्यपाल की विदाई के अवसर पर नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन देखा गया।